हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका यश और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का टॉपिक मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि कल ही मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था मेरे ही एक सब्सक्राइबर का कि उन्होंने एक अपनी कहानी बताई थी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड, तो वो कह रहे थे कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दो, तो मैं आज यही वीडियो इस वजह से बना रहा हूं। तो आइए दोस्तों बता देता हूं उनकी कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे ये सब्सक्राइबर अहमदाबाद से हैं, इनका नाम है अभिषेक कुमार। ये लिखते हैं कि 3 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद पिछले 2 महीने से हम दोनों के बीच बहुत कम बात हो रही है। मैं फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन उठाती नहीं है, मिलने के लिए बुलाता हूँ तो मिलने नहीं आती है, मुझको हर बात पर इग्नोर कर रही है और मुझको बोलती है कि मुझको बात नहीं करनी है। मैं रोज़ाना उसको 15 से 20 मैसेज करता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह से उसने मुझको ब्लॉक कर दिया है, पर मुझको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है कि जो उसने मुझको ब्लॉक कर दिया है, क्या मैंने गलती की है। मैंने उसके फ्रेंड्स तक को बोल दिया कि उसको बोलो कि एक बार मुझसे बात कर ले, मुझको एटलीस्ट मेरी गलती तो बता दे। तो ये है मेरे दोस्त अभिषेक भाई जी की कहानी। तो अभिषेक भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यह है आपके साथ कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए गंवा रहे हो क्योंकि वो लड़की अगर यार आपसे बात करना चाहती तो आपको इग्नोर करती क्यों? अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो मतलब वो प्यार नहीं करती है। और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिन प्रतिदिन गंवा रहे हो, रोज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हो ये दिखाकर कि मुझे तेरे से बात करनी है। उसके फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हो कि मुझको बात करनी है, तो यार क्या फ़ायदा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके? बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है, थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। आप भी अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो उससे बिना बात किए रहना बहुत मुश्किल होता है, पर यार सामने वाला भी तो हमसे प्यार करे और हमसे बात करे, यही तो हम चाहते हैं। पर जब सामने वाला हमसे इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने के लिए, तो यार हम उसके पीछे अगर लगे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखिए। द सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अवॉइड करने दीजिए, अवॉइड कीजिए। अब देखिए आजकल के रिलेशनशिप की बात बताता हूँ क्या होता है। लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की गलती होती है, लड़कियाँ डिच करती हैं या चीट करती हैं, कुछ भी करती हैं, लड़के भी चीट करते हैं, डिच करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दोनों डिच और चीट करते हैं। लेकिन इन दोनों ही केस में अगर लड़की ने डिच किया तो लड़के क्या करते हैं? लड़के रोते हैं, परेशान होते हैं, कोई 2-2 महीने रोता है, कोई 1-1.5 महीने रोता है, रोते हैं, फ़ोन पे रोते हैं, मैसेज में रोते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हैं, लड़की को आप ये जाहिर कर रहे हैं कि यार मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, आप ये जाहिर कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में रहने के लिए यार तेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लड़की की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी लड़की के लिए तू रो रहा है जिसके लिए तेरी लाइफ में तेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो यार क्या फ़ायदा है ऐसी लड़की के साथ अपनी रिलेशनशिप बना के जो तेरे को कुछ समझती नहीं है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझो अभिषेक भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। जानता हूँ मुश्किल है, मानता हूँ मुश्किल है ऐसे से दूर रहना जिससे आप प्यार करते हैं, पर यार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा क्या है? आप उसके पीछे रोज़ मैसेज कर रहे हैं, रोज़ उसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, क्यों? मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर प्यार करेगी तो ज़रूर वापस आएगी, नहीं प्यार करती तो नहीं आएगी। पर सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए, अपने सपने पूरे कीजिए, जो आपके सपने हैं वो पूरे कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। कई आपके ऐसे सपने होंगे जिसको आप पूरा करना चाहते होंगे, तो उन सपनों पे ध्यान दीजिए, लड़कियों पे नहीं। लड़कियां तो आज ना कल आपको मिल ही जाएंगी अगर आप सही हैं। आपने अगर गलत किया है, अगर आप गलत करने के बाद रो रहे हैं, तो आपका जायज़ रोना कि भैया आपने गलत किया है इस वजह से आप सॉरी बोल रहे हैं। पर जब आपकी गलती नहीं है तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं अभिषेक? किस बात के लिए आप सॉरी बोल रहे हैं? तो आप समझिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। अगर वो प्यार करती है तो वापस आएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है, सबसे पहले देखिए सेल्फ और रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में, आप उसे बना भी सकते हैं, आप उसे घटा भी सकते हैं। और सॉरी टू से आजकल के लड़कों ने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, सच बोल रहा हूँ, खो दी है। मैं न जाने कितने ऐसे रिलेशनशिप गिना दूंगा आपको जहाँ पे लड़के सॉरी पे सॉरी, सॉरी पे सॉरी और सॉरी पे सॉरी बोल रहे हैं। लड़की की गलती, लड़की की गलती पर नहीं, लड़का सॉरी बोल रहा है,
गलती लड़की की, लड़का सॉरी बोल रहा है। भाई क्यों बोलते हो, किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो यार, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है क्या यार, कैसा रिलेशनशिप चला रहे हो यार तुम लोग। गुस्सा आता है मुझे ऐसे लड़कों के ऊपर जो लड़कियों के पीछे पागल हुए पड़े। अरे यार करियर बनाओ, अपना करियर, करियर बनाओगे सब कुछ मिलेगा, एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पता नहीं साला क्या तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है क्या, समझ नहीं आता है मुझको इस चीज़, आज तक समझ नहीं आई किस बात के लिए लड़के इतने लड़की के परेशान है यार। लड़की ही सब कुछ है क्या तुम्हारी जिंदगी में, लड़की से बढ़ के कुछ नहीं है क्या। माँ बाप पे ध्यान दो, माँ बाप की खुशियाँ देखो, लड़की लड़की लड़की, हर एक लड़का परेशान है लड़की के लिए, लड़ाई झगड़े लड़की के पीछे, इसे मार उसे मार लड़की के पीछे। अरे भाई जिंदगी जी लो, कुछ और भी काम है जिंदगी में वो कर लो, करियर बना लो। माँ बाप ने तुम्हें 20-22 साल पाला पोसा पढ़ाया लिखाया कि इसलिए कि तुम लड़के के पीछे लड़ाई झगड़ा कर लो, या उन्हें लड़कों को मार पीट दो, या जहर खा के मर जाओ, इसलिए पाला क्या तुम्हें। तो इसलिए भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, लड़की आज ना कल तुम्हें मिली जाएगी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा वही वापस आ जाएगी। तो ठीक है अभिषेक भाई, आपके टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और सारे विजिटर्स से बता देता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।